गोला बारूद की धौंस दिखाने वाला चीन दिन में ही तारे गिन रहा है, क्योंकि भारत ने चीन को उसी की चाल में फंसा कर रख दिया है। और अब अमेरिकी कंपनी एप्पल भी चीन को झटके पर झटका देने से पीछे नहीं हट रही। एप्पल का वेंडर चीन में बंद कर भारत में 6 प्लांट खोलने की योजना बना रहा है। सूत्रों के मुताबिक एप्पल के एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर ने चीन से 6 प्रोडक्शन लाइन को भारत शिफ्ट करने का फैसला किया है। ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर भारत में अपना प्रोडक्शन लाइन स्थापित करेगा, जिसके बाद वो घरेलू बाजार की मांग को पूरा करने के साथ साथ $5 अरब का आईफोन निर्यात करेगा। इस कंपनी के भारत में आने से कम 55,000 भारतीय लोगों को रोजगार मिलेगा। संभावना तो ये जताई जा रही है कि कॉन्ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर भारत में आईफोन, टैबलेट, लैपटॉप और कंप्यूटर के लिए भी प्रोडक्शन स्थापित करेगी, क्योंकि एप्पल के कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर का सामानों से भरा कंटेनर पहले ही भारत आ चुका है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक संभव है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर भारत में आईफोन्स, टैबलेट, लैपटॉप और कंप्यूटर के लिए भी प्रोडक्शन लाइन स्थापित करें। एप्पल के कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर का सामानों से भरा कंटेनर पहले ही भारत आया है। चीन ने शुरुआत में कोरोना वायरस को छिपाने की कोशिश की, यही वजह है कि हालात काबू से बाहर हो गए। जब तक पूरी दुनिया को इसके बारे में पता चलता और इसके होने वाले परिणाम का अंदाजा होता, तब तक काफी देर हो चुकी थी और यह वायरस पूरे विश्व में फैल चुका था। तो वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम के तहत पूरी दुनिया की 22 कंपनियों ने आवेदन किया है। ये कंपनियां अगले 5 सालों में 11.5 लाख करोड़ का मोबाइल फोन और कंपोनेंट तैयार करेगी। इसमें से 7 लाख करोड़ का प्रोडक्ट निर्यात किया जाएगा। ये कंपनियां 3 लाख डायरेक्ट और करीब 9 लाख इनडायरेक्ट जॉब्स भी पैदा करेंगी। फिलहाल कोरोना वायरस की वजह से एप्पल कंपनी को ये बात महसूस हो रही है कि सिर्फ एक देश पर ही निर्भर रहना बुद्धिमानी का फैसला नहीं हो सकता। कंपनी ने उत्पादन को चीन से बाहर करने की तरफ कदम उसी समय बढ़ा दिए थे जब अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर शुरू हुआ था। तभी से ये कंपनी भारत पर नजरें जमाए हुए है और अब लगातार एक के बाद एक उससे जुड़े फैसले हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।